नॉर्मल पेपर पे इतना ज़्यादा मतलब कि जो ब्राइटनेस है वो नहीं आता। और इस रूम का पूरा वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये मैं आपको वॉलपेपर का व्यू दे रहा हूँ, ये कस्टमाइज वॉलपेपर है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें, और जो नए मेरे इस चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो पर कस्टमाइज वॉलपेपर है ये, इसका लुक देखिए आप। और ये फैब्रिक में है, पेपर पे नहीं है। ये देखिए इसका टेक्सचर आपको दिख रहा होगा फैब्रिक का। ये टेक्सचर है जो फैब्रिक पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये नॉर्मल पेपर पे इतना ज़्यादा मतलब कि जो ब्राइटनेस है वो नहीं आता। और इस रूम का पूरा वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, इस पर जब फर्नीचर आ जाएगा। अभी ये सिर्फ वॉलपेपर है। इस रूम का पूरा वीडियो में फर्नीचर आएगा तो मैं डाल दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ये फ्लावर वॉलपेपर है, तो फ्लावर वॉलपेपर में क्या होता है कि अगर ये पिलर आ रहा है आपका, ये पिलर है, अगर पिलर पे हम फ्लावर वॉलपेपर लेते हैं ना यहाँ पे, तो ये फ्लावर कट जाता है और बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता देखने में। तो इस चीज़ का आप लोग जब भी वॉलपेपर लें ऐसे फ्लावर बड़े बड़े, तो पिलर पे कभी ना लगवाएं। वहाँ पे उसी जिस तरह का टेक्सचर है, जिस तरह का फ्लावर, उसी का प्लेन वॉलपेपर भी आता है। या तो कस्टमाइज करते हैं तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, जितने भी आपके वॉल है वहाँ पे पिलर पे प्लेन लगवाएं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप फ्लावर लेते हैं वहाँ पे पिलर पे, तो वो क्या होता है फ्लावर कट जाता है, और कटने के बाद जो लुक अभी आ रहा है वो नहीं आता, क्योंकि वो फ्लावर कटा हुआ दिखता। तो वॉलपेपर का लुक बहुत ही अच्छा है ये। और ज्वाइंट भी बिल्कुल नहीं आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि कस्टमाइज करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। तो कस्टमाइज अगर आप कहीं भी करवाएं, अच्छे लेवल पे करवाएं, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि ऐसे ही ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।